हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो फ़ोन हमारे पास आया है वो है ओप्पो का रेनो 4 प्रो और इसकी सीपीयू रिबोल्व हो चुकी है पहले से ही और ऊपर पावर के ऊपर भी जो जाली लगी हुई थी वो सब उतरी हुई है। और इस फ़ोन में जो बैटरी होती है वो 8 वोल्ट की बैटरी होती है, जैसे बाकी सभी फ़ोन में 3.8 या 3.7 वोल्ट की बैटरी आती है तो इसमें 8 वोल्ट की बैटरी है। और अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरी में करंट चेक करेंगे कि बैटरी में कितना करंट है। तो फ्रेंड बैटरी में 8.5 वोल्ट चार्ज है, यानी कि अगर बैटरी मीटर पर इतना वोल्टेज शो कर रही है तो इसका मतलब फ़ोन कम से कम भी तो 50 से अबव चार्ज है, मतलब 50% से ज़्यादा बैटरी चार्ज है। तो फ़ोन की बैटरी को हमें चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, या झटका या बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज है। उसके बाद हम फ़ोन पर रीडिंग चेक कर रहे हैं, डायोड वैल्यू देख रहे हैं दोनों तरफ से। तो मीटर के हिसाब से जो डायोड वैल्यू हमने देखी उसके अकॉर्डिंग तो शॉर्टिंग नहीं बनती है। और कई बार क्या आजकल के ज़्यादातर फ़ोन में मीटर शॉर्टिंग पकड़ भी नहीं पाते हैं, तो उसका सही जो ज़रिया है वो है पावर सप्लाई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पावर सप्लाई की वोल्टेज को सेट करेंगे 8.5 वोल्ट पर और इसकी जो बूट केबल है उसको हम हटा देंगे क्योंकि बूट केबल 4 वोल्ट के हिसाब से इसमें है। जो बूट केबल हम यूज़ करते हैं वो 4 वोल्ट के हिसाब से आती है और हमें अगर हम पावर सप्लाई को 8.5 वोल्ट पर सेट कर रहे हैं तो पावर जो बूट केबल है उस पर उसके जो सर्किट है वो लोड नहीं लेता उतना। तो हमने पावर सप्लाई की एक तार को हटा दिया, उसकी जगह हमने पावर सप्लाई से दो तार निकाली हुई हैं, दो वायर निकाल दी हैं ब्लैक और रेड, जिससे कि प्लस माइनस का इजीली हमें ध्यान रहे। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट मदरबोर्ड पर, जो है इसका जो पावर सप्लाई से ब्लैक तार आ रहा है यानी कि माइनस वाला, वो हम मदरबोर्ड पर इसको जाली पर डायरेक्ट टांका लगा देंगे और प्लस वाले को बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे ताकि हम पावर सप्लाई को फ़ोन से कनेक्ट कर सकें। फ़ोन में जितनी भी सील्ड लगी होती है सारी ग्राउंड होती हैं, तो आप किसी भी सील्ड पर इसको ब्लैक वाली तार को जोड़ सकते हैं। ध्यान आपने रखना है कि तार सही लगाएं और उल्टे तार ना लगाएं, ख़राबी बढ़ सकती है उसकी वजह से उल्टे तार लगाने से। और अब हम ब्लैक तार हमने ग्राउंड पे जोड़ दिया है और ब्लैक वायर लाल वाले तार को यानी कि प्लस की वायर को हम बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पर जोड़ कर देखेंगे, मीटर के पर रीडिंग चेक करेंगे कि मीटर का जो एम्पेयर मीटर है वो ऑटो रीडिंग तो नहीं ले रहा है अपने आप, तो उसमें करंट की जो कंजप्शन है वो तो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख रहे हैं पावर सप्लाई के एम्पेयर मीटर पर कोई भी रीडिंग नहीं आई, यानी कि फ़ोन में किसी तरह कोई शॉर्टिंग नहीं है पावर सप्लाई के हिसाब से। और लेकिन हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद भी फ़ोन पावर सप्लाई कोई भी एम्पेयर नहीं ले रही है, तो फ़ोन में शॉर्टिंग भी नहीं है और पावर सप्लाई ऑन ऑफ स्विच दबाने पर पावर सप्लाई बिल्कुल भी एम्पेयर नहीं ले रही है। और अगर ऐसा देखिए, क्योंकि फ़ोन डेड है, छिड़ा हुआ है, पहले भी किसी मैकेनिक ने देखा हुआ है, अगर ऑन ऑफ स्विच ख़राब होता तो वो तो कोई भी इजीली चेक कर लेता है। तो इसका ऑन ऑफ स्विच हम फिर भी एक बार चेक कर चुके हैं, ऑन ऑफ स्विच ओके है और जो इसके ऑन ऑफ के मेन पॉइंट होते हैं सब पर डायोड वैल्यू भी आ रही है, तो फ़ोन स्विचिंग नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि फ़ोन जब स्विचिंग ना ले तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये, अगर फ़ोन गिरा हुआ है बुरी तरीके से, अगर फ़ोन गिरा हुआ है और कोई बक कॉइल उसके आसपास से, पावर आईसी के आसपास से कोई बूस्ट कॉइल या बक कॉइल टूट गई है गिरने की वजह से, तो सेम कंडीशन आपको मिलेगी, यानी कि आप स्विच दबाएंगे तो पावर सप्लाई कोई भी कुछ भी एम्पेयर नहीं लेगी। तो फ्रेंड्स इसमें, और जो दूसरी चीज़ होती है वो, अगर आपने सीपीयू रिबोल की है या फिर किसी ने इसकी सीपीयू रिबोल कही है, हालांकि इस फ़ोन की सीपीयू रिबोल है पहले से, तो अगर किसी ने इसकी सीपीयू को रिबोल किया है बीच में, हम एक बार बीच में हम इसके ऑन ऑफ स्विच पर वैल्यू करंट चेक कर रहे हैं, वोल्टेज 0.0002.1 ऐसे कुछ, इसमें हल्का सा पावर पर जो ऑन ऑफ स्विच के जो दोनों पॉइंट्स हैं उस पर हल्का सा करंट बन रहा है,
लेकिन ज़्यादा नहीं बन रहा है। और कितना बनना चाहिए लगभग, यहाँ पर हमें ऑन स्विच पर वोल्टेज मिलनी चाहिए थी 2.5, 2.50, 2.80, यानी कि जितनी बैटरी चार्ज है 2.50, 2.80 के आसपास हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन उतनी वहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड, दूसरा जो रीज़न होता है बिल्कुल भी स्विचिंग ना लेने का, तो वो पहला रीज़न था कि कोई बूस्ट कॉइल या कोई कॉइल टूटी हो पावर सप्लाई के, पावर आईसी के आसपास से, या फिर कोई ना कोई, इसमें हम देख रहे हैं कि सीपीयू रिबॉल हो चुकी है और फ़ोन की जाली भी सारी उतरी हुई है। और जो दूसरा रीज़न है वो होता है कि अगर किसी ने सीपीयू रिबॉल किया है या आपने सीपीयू रिबॉल की है और सीपीयू के जो बोल्स हैं वो नीचे मदरबोर्ड पर ठीक से मतलब जुड़ नहीं पाए हैं, यानी कि आईसी को लगाने के टाइम पर सभी प्रिंट्स मदरबोर्ड से अटैच नहीं हुए, जुड़े नहीं हैं, या छोटी बड़ी बोल्स बनी हैं आईसी रिवॉल्व करने की करने पर और वो ठीक से आईसी लग नहीं पाई है, तो भी इस तरह की कंडीशन आती है। मतलब कुल मिला के अगर सीपीयू ठीक से नहीं लगेगी तो भी बहुत सी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि फ़ोन को अगर हम पावर सप्लाई पर अटैच करके ऑन स्विच प्रेस करते हैं तो और स्विचिंग नहीं लेता फ़ोन, यानी कि एम्पियर मीटर पर सीपीयू बिल्कुल को भी भी करंट ऑन का किया हो कंजप्शन नहीं इसीलिए। होता, जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा। और सीपीयू हम देख रहे हैं साइड से, सीपीयू की बॉल्स हमें ठीक लग रही हैं, हालांकि सीपीयू इसमें छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी वाली सीपीयू नहीं है इसमें और डबल डेकर भी नहीं है, तो छोटी सीपीयू है, यानी कि जितनी छोटी आईसी होती है उसको रिबॉल करना उतना ही आसान होता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। तो आजकल थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद रिबॉल करना इजीली सभी सीख जाते हैं, तो जिस मैकेनिक ने इसमें रिबॉल कर आईसी को रिबॉल करके लगाया है तो मुझे लग रहा है कि वो सही लगाया है। लेकिन और उसके हिसाब से इसमें जो ऑन स्विच पर हल्की सी वोल्टेज आ रही है लेकिन स्विचिंग फ़ोन नहीं ले रहा है, तो वो देखते हुए हमारा जो हमने ना इसके सीपीयू को उतारा ना कुछ, तो उसको देखते हुए हमने सबसे पहले फ़ोन में शॉर्टिंग चेक करना शुरू की। तो पूरे फ़ोन में हमने धीरे धीरे हर एक आईसी के पास या छोटी बड़ी आईसी के पास या जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, सभी कैपेसिटर्स को हमने आपस में चेक किया कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। और वैसे तो पावर सप्लाई के हिसाब से फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन वो 100% श्योरिटी नहीं है कि पावर सप्लाई भी आपको बता दे कि फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो हमने बारी बारी एक एक छोटी से छोटी आईसी के आसपास सभी कैपेसिटर्स को चेक किया ध्यान से, और यहाँ पर हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं फ़ोन में किसी लाइन पर शॉर्टिंग तो नहीं है। और VPH और 1.8 वाली लाइन पर तो कुछ शॉर्टिंग है ही नहीं, वो तो पहले ही हम चेक कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सी सप्लाइयाँ होती हैं फ़ोन में, कुछ ऐसी सप्लाइयाँ भी होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं, यानी कि एक आईसी एक लाइन निकलेगी दूसरी आईसी तक जाएगी और उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएगी। तो इस तरह की आईसी, इस तरह की लाइन पे अगर शॉर्टिंग होती है तो भी फ़ोन डेड हो जाता है, तो इस तरह की शॉर्टिंग को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट्स को, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बारी बारी चेक करना पड़ता है मीटर से। तो इस फ़ोन में हम वही चेक कर रहे हैं, सभी छोटे बड़े कंपोनेंट्स को चेक कर रहे हैं, और जितने भी कॉइल्स हैं कॉइल्स को हम आपस में चेक नहीं करेंगे, कॉइल्स को हम ग्राउंड से चेक करेंगे, यानी कि मीटर का तार एक लगाएंगे ग्राउंड पर और दूसरे तार को कॉइल से टच करेंगे। अगर कॉइल के दोनों तरफ हम चेक करेंगे तो कॉइल तो शॉर्ट अपने आप को बताएगी। ये इसकी पावर आईसी है, आसपास में काफ़ी सारी कॉइल्स लगी हुई हैं, कवर्ड वाली कॉइल्स भी हैं और ओपन वाली कॉइल भी हैं। तो ये जो कॉइल्स हैं इनको हम ग्राउंड से चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पावर आईसी है उसके पास हमें एक कॉइल मिली जो ग्राउंड के साथ बीप कर रही थी, यानी कि ये ग्राउंड से शॉर्ट थी। तो फ्रेंड्स, पूरे फ़ोन में हमें इस पावर आईसी के पास ये कॉइल मिली है जो ग्राउंड के साथ बीप कर रही है,
ठीक है। लेकिन अगर आप रिपेयरिंग करते हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको मालूम होगा कि फ़ोन में कई सारे मॉडल्स में ऐसी कॉइल्स होती हैं जो ग्राउंड के साथ अटैच होती हैं। तो अभी हमें ये कॉइल जो है ये ग्राउंड से बीप कर तो रही है, थोड़ा डाउट भी हमारा इस पर गया क्योंकि ये ग्राउंड से बीप कर रही है, लेकिन 100% श्योर नहीं है हम कि ये कॉइल ग्राउंड से शॉर्ट होती है कि नहीं, क्योंकि बहुत से फ़ोन में कुछ कॉइल डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ी होती है। तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए हम इस कॉइल को उतार कर देखेंगे। मीटर भी प्रॉपर हो रहा है? हाँ, मीटर भी रख। कॉइल को उतारने के लिए एयर का जो फ्लो था वो हमने 3 पर रखा है, और हीट जो हीट है वो हमने 350 पर रखी हुई है। कॉइल हमने उतार दी है और अब हम चेक करते हैं दोनों पॉइंट जो कॉइल के थे। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट से शॉर्टिंग हट गई है और दूसरे पॉइंट पर अभी भी शॉर्टिंग है, और जिस पॉइंट पर शॉर्टिंग है वो सीधा पावर आईसी के अंदर, वो लाइन, वो उस पॉइंट की जो लाइन है वो सीधा पावर आईसी के अंदर जा रही है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, अब थोड़ा डाउट है कि इसकी पावर आईसी शॉर्ट हो चुकी है, तो हमें पूरे फ़ोन में जैसे तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक किया, तो यहाँ जाकर हमें एक कॉइल मिली और उस कॉइल को डाउट, उस कॉइल पर हमें डाउट हुआ। और सबसे पहले हमने कॉइल को उतारा, और कॉइल को उतारने के बाद कॉइल के दोनों प्रिंट्स को हमने ग्राउंड के साथ चेक किया, तो एक प्रिंट्स पर शॉर्टिंग हट गई और दूसरे प्रिंट पर शॉर्टिंग अभी भी हमें मिल रही थी। और जिस प्रिंट पर कॉइल के जिस प्रिंट पर शॉर्टिंग मिल रही थी वो प्रिंट डायरेक्ट पावर आईसी के नीचे जा रहा था। तो अब हम उतार के देखेंगे पावर आईसी को। अगर पावर आईसी को उतारने के बाद दोनों प्रिंट, मतलब जिस प्रिंट पर शॉर्टिंग अभी बची हुई है उस प्रिंट की शॉर्टिंग भी अगर हट जाती है, तो हमें 99% कंफर्म हो जाएगा कि इसकी पावर आईसी शॉर्ट है, और उम्मीद है कि पावर आईसी बदलते ही फ़ोन हमारा चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इसमें पावर आईसी लगी थी, इस तरह की पावर आईसी आजकल के नए मॉडल्स में आने लगी है, और क्वालकॉम कंपनी की ये आईसी है। इस आईसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है, और उस वीडियो में दिखाया गया कि ये जो आईसी है इसका जो नंबर है, तो सेम आईसी, मतलब कि इस आईसी की जगह हम दो आईसियां और लगा सकते हैं जिसके कि नंबर अलग होने के बाद भी, मतलब उन दोनों आईसियों के नंबर अलग होने के बाद भी इसकी जगह उनको लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक फ़ोन में 3 आईसियां अलग अलग नंबर की, हम उन तीनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो छोटी सी वीडियो है, मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉर्टिंग इस लाइन पर, मतलब उस प्रिंट पर भी शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है। तो अब हमें कन्फर्म हो गया कि हमारी इस फ़ोन में जो ये आईसी लगी थी ये शॉर्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में ज़्यादातर अगर शॉर्टिंग का कोई फ़ोन आता है और हमें कहीं पर फ़ोन में शॉर्टिंग मिलती है, देखिए मैक्सिमम तो क्या होता है, हमने बहुत, मतलब ज़्यादातर ये देखा है कि पावर आईसी बड़ी इजीली हर फ़ोन में शॉर्टिंग को पकड़ लेती है, लेकिन आजकल के नए फ़ोन में नए इस तरह के फॉल्ट आने लग गए हैं कि अब इस फ़ोन में शॉर्टिंग थी और मेन पावर आईसी में शॉर्टिंग थी, लेकिन पावर आईसी उसको पावर सप्लाई उस शॉर्टिंग को पकड़ नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स, शॉर्टिंग पावर आईसी उतारने के बाद शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है, तो हमने कॉइल को वापस अपनी जगह पर लगा दिया है। अब हम इसके प्रिंट्स को क्लीन करके दूसरी पावर आईसी लगाएंगे और फिर फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आजकल के, मतलब पहले जो भी फ़ोन आते थे अगर शॉर्टिंग होती है तो पावर आईसी उसको इजीली पकड़ लेती थी, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो सिर्फ आप मल्टीमीटर से ही आप किसी भी फ़ोन में शॉर्टिंग पकड़ लेते थे बड़े इजीली। लेकिन अब मल्टीमीटर से हर फ़ोन में शॉर्टिंग पकड़ना पॉसिबल नहीं है, आपके पास पावर सप्लाई होनी ही चाहिए। और अगर पावर सप्लाई नहीं है, मतलब पावर सप्लाई पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है, आपको हर चीज़ों को ध्यान में रख के ही फ़ोन को रिपेयर करना शुरू करना है। और
अगर आपके पास कोई फ़ोन छिड़ा हुआ आता है तो देखते ही ये नहीं सोच लेना कि भाई इस पहले से ही छिड़ा हुआ है तो ख़त्म फ़ोन है। अगर आप उसको समय मतलब टाइम देंगे ठीक करने के लिए, या अपना बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करके अगर फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर हमें फॉल्ट मिल जाता है और फ़ोन ठीक हो जाता है। और इस तरह के फॉल्ट को ठीक करना या इस तरह के फ़ोन को ठीक करना, यानी कि जो किसी दुकान से ठीक होके नहीं हुआ ठीक और आपके पास आया है और आपने उसको ठीक कर दिया, तो उसमें डबल फ़ायदा है। आपको उसको रिपेयरिंग के पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको एक परमानेंट कस्टमर भी मिलेगा, और उसी एक परमानेंट कस्टमर के साथ साथ और भी कई कस्टमर आपको इस तरह के फ़ोन छिड़े हुए फ़ोन ठीक करने में साथ, और भी कई सारे कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे। डिसोल्डर वायर से हमने सभी पैड्स को क्लीन कर दिया है सावधानी के साथ। आसपास के कंपोनेंट्स कई बार डिसोल्डर वायर से यूज़ करने से हट जाते हैं, तो काफ़ी बारीकी से ध्यान रखते हुए हमने पैड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। फ्लक्स पेस्ट लगा दी है आईसी को उतारने के लिए। जो हीट का टेम्परेचर था वो 385 ही रखा था हमने, एयर फ्लो 2 से 3 के बीच में। दूसरी आईसी इस पर हम लगा रहे हैं, जो हमने निकाली थी वो शॉर्ट थी, और ये जो दूसरी आईसी है ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की शॉप पर, लेकिन हमने आईसी एक ख़राब फ़ोन से निकाली है जिसका मदरबोर्ड मतलब गाड़ी के किसी गाड़ी के नीचे आके फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था, मतलब वो डैमेज हो गया था, रिपेयरेबल नहीं था, और उसकी आईसी हमने निकाल दी है। जो आईसी हमने इसमें से निकाली थी फ़ोन में से, वो आईसी और जो हम लगा रहे हैं उसका नंबर अलग है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सभी आईसियाँ मतलब 3 तरह की आईसी हैं जो एक दूसरे की जो है लग जाती हैं। तो फ्रेंड शॉर्टिंग अब हम चेक कर रहे हैं, तो शॉर्टिंग हमारी पावर आईसी दूसरी लगा दी है और शॉर्टिंग इसमें अभी भी नहीं आई है, यानी कि जो शॉर्टिंग थी वो इसके पावर आईसी की वजह से ही थी, और उस पावर आईसी को हमने निकाल दिया है। ठीक है जी, तो पावर आईसी तो बारी है फोन को चेक करने की। थोड़ा सा फ़ोन को ठंडा होने देंगे, मदरबोर्ड को बैटरी कितनी चार्ज है? बैटरी तो चार्ज है, एक बार पावर सप्लाई को चेक करेंगे पहले। पावर सप्लाई भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक फॉल्ट मिला था, डायरेक्ट बैटरी इसकी चार्ज है ही, तो सीधा ही इसको एक बार हम ऑन करके देखते हैं। दोनों तार को पावर सप्लाई के दोनों तार को जो पावर सप्लाई से हमने दो तार निकाले हुए हैं प्लस और माइनस, वो मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद अब हम फ़ोन को ऑन करके देख रहे हैं। फ़ोन स्विचिंग लेने लगा है, एम्पेयर मीटर अपने चलने लगा, फ़ोन ऑन भी हो गया फ्रेंड्स हमारा। अब बार ये देखने की कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि इसकी सीपीयू पर भी काम हो चुका है। अगर पावर ही चेंज करने के बाद
भी अगर बात नहीं बनती तो इसकी सीपीयू को उतार कर हम रिवॉल्व करते, क्योंकि वो हमें कंफर्म करना था कि सीपीयू ठीक से लगी है कि नहीं। लेकिन सीपीयू उतारने से पहले हमने फ़ोन में शॉर्टिंग ट्रेस की और हमें एक जगह शॉर्टिंग मिली, और वो शॉर्टिंग पावर आईसी की वजह से थी, और पावर आईसी बदलने पर शॉर्टिंग ठीक हो गई और हमारा फ़ोन भी ऑन हो गया है। देखना है कि पूरी तरह से ऑन होता है कि नहीं। फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा आगे बढ़ चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।